और जब शरीर अधिक प्रयोग करने योग्य नहीं रहता तब शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा फिर से एक और माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। ये आत्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। आप किस प्रकार का अगला शरीर प्राप्त करने जा रहे हो आपको जानकारी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सर्ग 3 अध्याय 31, सर्वोत्तम भगवान की देखरेख में। एक जीवित इकाई आत्मा अपने पिछले कर्म के परिणाम के अनुसार वीर्य के एक कण के माध्यम से एक महिला के गर्भ में प्रवेश करती है, एक विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने के लिए। पहली रात को शुक्राणु और डिंब मिश्रित होते हैं। पांचवीं रात को ये एक बुलबुले में परिवर्तित होता है। दसवीं रात को ये एक बेर के रूप में विकसित होता है, फिर धीरे धीरे मांस की एक गांठ में। पहले महीने सिर निर्मित होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर और अन्य अंग, तीसरे महीने में नाखून उंगलियां, आंख नाक कान पैर की उंगलियां, बाल हड्डियां त्वचा मुंह और जनन अंग। चौथे महीने में 7 आवश्यक तत्व, गैल रक्त मांस वसा अस्थि मज्जा और वीर्य। पांचवें महीने में भूख और प्यास महसूस होती है। छठवें महीने में भ्रूण स्थानांतरित होना शुरू होता है। सातवें महीने में चेतना विकसित होती है। उसे दुख का एहसास होता है, वो कभी स्थायी नहीं रह सकता है। वो मां से पोषण प्राप्त करता है, कीटों से भरे हुए घृणित स्थान में रहता है, क्योंकि मां कड़वा नमकीन या बहुत खट्टा खाती है। शरीर में असहनीय दर्द रहता है। वो भूखे कीटों द्वारा बार बार काटा जाता है। बच्चे को भयानक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो कोमल होता है। पिंजरे में एक पक्षी के समान बिना स्वतंत्रता के प्रसव समाप्त के दौरान बच्चे को नीचे धकेल दिया जाता है। अगर बच्चा भाग्यशाली होता है तो वो अपने अतीत के 100 जन्मों को याद कर सकता है, और बदकिस्मती से वो दुखी होता है। भ्रूण आवरण के भीतर बच्चा लेटा हुआ रहता है। बच्चे की पीठ और गर्दन एक धनुष की तरह धनुषाकार रहती है। भयानक स्थिति की वजह से वो अफसोस करता है, हे ईश्वर, कब मुझ एक पतित आत्मा को इस कारावास से रिहा किया जाएगा। जीवन की इस भयंकर हालत में वो जीवित इकाई प्रार्थना करती है, मैं ईश्वर की शरण लेता हूं, क्योंकि वो मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्ति दे सकते हैं, जिनसे मैंने जीवन की इस अवस्था को प्राप्त किया है जो मेरी अधर्मी गतिविधियों के अनुकूल है।
गतिविधियों के कारण से बंधा हुआ दुखी दिख रहा हूं और माया की व्यवस्था से मेरी मां के गर्भ में लेटा हूं। मैं उसकी शरण में हूं जो असीमित है और जो प्राप्त करने योग्य है। पछतावे से भरे मेरे दिल से, हालांकि मैं अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक हूं, मैं ईश्वर से अलग हो गया हूं क्योंकि मैंने इंद्रियों का दुरुपयोग किया। वो अपनी मां के पेट के भीतर रक्त, मल और मूत्र के एक भंडार में गिर जाता है। उसका शरीर मां की गैस्ट्रिक आग से झुलसता है। वो अपने दिनों को गिन रहा है और निरंतर प्रार्थना करता है। इसलिए हे मेरे ईश्वर, हालांकि मैं इस भयानक स्थिति में हूं, किंतु मैं भौतिकवादी जीवन में एक बार फिर से गिरने के लिए, मेरी मां के पेट से विदा लेने के लिए इच्छुक नहीं हूं। वो इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करता है। प्रसव की हवा उसे आगे बढ़ाती है। उसका चेहरा नीचे की ओर रहता है ताकि वो पैदा हो सके। उस पल में देव माया एकाएक बच्चे को पकड़ लेती है और वो शारीरिक पहचान में आ जाता है। तुम इस समय कहां हो? हम सपना देख रहे हैं क्या? आप वास्तव में कार्यशाला के बीच में हैं, सो रहे हैं, और यह है आपका पहला सबक, बीमारी, व्याधि, बुढ़ापा, जरा, मौत, मृत्यु, पुनः जन्म, पुनः मृत्यु।